मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहली जो दिक्कत आती है बॉम्बे जाने के बाद कि हम रहें कहाँ। हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ रहेंगे। बॉम्बे के अंदर बहुत महंगा शहर, तो करना क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर रहना है। तो शुरू करते हैं आज की बॉम्बे की बात। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। जब मैं बॉम्बे गया था तो मैंने सोचा कि मैं रहूँगा कहाँ पर। कुछ लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है कि उनको पसंद नहीं है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहना या ज़्यादा लोगों के साथ रहना। वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें, शांति वाली जगह हो। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। मैंने क्या किया था, मैंने किया ये था कि एक वेबसाइट होती है nobroker.com, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मुंबई में कहाँ पर पीजी खाली हैं या फ्लैट्स खाली हैं। आपको फ़ायदा इससे ये होगा कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको अगर आपको ढूंढना भी पड़ेगा तो आप कम से कम एक महीना या दो महीना वहाँ रहने के बाद जब उस शहर को जान लेंगे, वहाँ की लोकेलिटी के बारे में जब आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ मैं आपको एरिया बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर आप रह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंधेरी की। अंधेरी वो एरिया है। अब यहाँ अंधेरी के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट, ये दो एरिया हैं जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। मतलब अंधेरी जो एरिया है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अंधेरी ईस्ट है और एक अंधेरी वेस्ट है। सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो अंधेरी ईस्ट है वहाँ आपको नहीं रहना, क्योंकि वो सस्ता एरिया है। सस्ते से मतलब ये है कि जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है वो सारी अंधेरी वेस्ट के अंदर आती है। मसलन वर्सोवा का नाम आपने सुना ही होगा अगर आप रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर वहाँ जाने के लिए। तो वर्सोवा का सबसे पहले मैं नाम देना चाहूँगा। वर्सोवा एक ऐसी जगह है मुंबई के अंदर और अंधेरी के अंदर, वर्सोवा अंधेरी के अंदर आता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर तरह के रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको सस्ता घर मिल जाए और आप मैनेज कर सकते हैं कि आप 4 या 6 या 5 या 3 लोगों के साथ रह सकते हैं एज एन पीजी, तो आप वर्सोवा में रह सकते हैं। वर्सोवा विलेज और वर्सोवा का जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा महंगा एरिया है, वहाँ एक्ट्रेस लोग रहते हैं, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगा, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बस मैं आपको भी पहले ये बता दूँ कि आपको रहना कहाँ है। तो आप वर्सोवा गांव के अंदर, वर्सोवा विलेज के अंदर आप घर ले सकते हैं, वहाँ बहुत सस्ते फ्लैट्स हैं। अगर आप पीजी के तौर पर रहना चाहते हैं वहाँ, तो 3 या 4 लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो 4 से 6 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा, 4 से 6 हज़ार। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जगह रहना थोड़ा सा बाहर, क्योंकि वहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि वर्सोवा गांव जो है, वर्सोवा विलेज, उसके अंदर फिश की स्मेल बहुत ज़्यादा है, मछली की बहुत ज़्यादा वहाँ स्मेल आती है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें, आप झेल सकते हैं फिश की स्मेल, तो आप वर्सोवा गांव के अंदर रह सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम्स है, आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो फिर आप अवॉइड करिए मेरे हिसाब से। तो फिर आप थोड़ा वर्सोवा से बाहर निकलेंगे, कुछ एरिया हैं वहाँ, जैसे कि वीरा देसाई रोड का मैं नाम लूँगा, अंधेरी के अंदर आता है, अंधेरी वेस्ट के अंदर। तो वहाँ भी आपको अगर, लेकिन थोड़ा सा महंगा होगा वर्सोवा विलेज के कंपेयर में अगर हम देखें। तो यहाँ पर अगर आप रूम लेना चाहेंगे तो यहाँ आपको पीजी मिल जाएगा वही 7 से 8 हज़ार के अंदर। और महंगा आप देखना चाहेंगे तो महंगा तो वो तो रेंज बढ़ेगी, लेकिन 7 से 8 हज़ार के अंदर आपको एक ठीक ठाक पीजी मिल जाएगा। आपको वीरा देसाई रोड पर सैनिक नगर एक एरिया है, वहाँ आप रह सकते हैं आराम से। वहाँ आपको 16 से 18 हज़ार के बीच में 1 आर के मिल जाएगा। 1 आर के मतलब 1 रूम प्लस किचन। एक एरिया आता है गोरेगांव, थोड़ा महंगा है। गोरेगांव अगर आप जाएंगे तो वहाँ अच्छे अच्छे फ्लैट्स मिलेंगे आपको, और वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जैसे कि आपको वहाँ फ्लैट देखना है तो वो 26,000 से स्टार्टिंग है, 26,000 से 30,000 के बीच में 1 BHK आपको वहाँ मिलेगा। और आप चाहते हैं शेयरिंग में रहना तो आप शेयरिंग में वहाँ रह सकते हैं, 8,000 या 9,000 एक पर पर्सन इसकी कॉस्ट आएगी।
और रह सकते हैं आप गोरेगांव के अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके बारे में, रेंट के बारे में और डिटेल्स, और डिपॉजिट वगैरह के बारे में भी आपको बता दूंगा। बात करते हैं मलाड़ की। मलाड़ एक ऐसा एरिया है जो गोरेगांव से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा, और मलाड़ के अंदर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको रूम सस्ते मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ अकेले भी रह सकते हैं। आपको यहाँ पर 15 से 16 हज़ार में 1 RK मिल जाएगा, अच्छी खासी कंडीशन में, टूटे फूटे फ्लैट नहीं, जर्जर फ्लैट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे फ्लैट्स मिलेंगे नई बिल्डिंग्स के अंदर। और अगर पीजी में भी रहना चाहते हैं आप, जैसे शेयरिंग में रहना चाहते हैं, तो वो भी आपको ठीक ठाक रेट में पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो आप मलाड़ भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। शुक्रिया।